स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे इस चैनल स्टडी विद स्वाति में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के लिए आपका जो चार्ट पेपर रहेगा जिसे आप वाइवा या टीचिंग के समय बनाएंगे तो आप उसे किस तरह से बना सकते हैं। हम यहाँ पर सभी सब्जेक्ट को लेकर के बात करेंगे। सबसे पहला हमारा चार्ट आ गया है यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं। आप इसे साइंस के लिए तैयार कर सकते हैं। साइंस में आप टॉपिक ले सकते हैं जीवों का निवास स्थान, तो उससे रिलेटेड आप अपने डीएलएड सेकंड थर्ड फोर्थ के लिए जो चार्ट है वो तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल आप ऐसे ही तैयार करेंगे। जीवों का निवास स्थान यानी कौन सा जीव कहाँ रहता है आप बता सकते हैं डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। और अगर आप चार्ट तैयार करेंगे तो आप वाइवा में भी बता सकेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है पक्षी घोंसले में रहता है, मधुमक्खी जो है छत्ते में रहती है, और ये जो मकड़ी रहती है वो जाल बना के रहती है, मछलियाँ जल में, सांप बिल में रहता है, ठीक है। चींटियाँ जो होती हैं वो मिट्टी के ढेर में रहती हैं, खरगोश भी बिल में रहता है, शेर गुफा में रहता है, और गाय जो है गौशाला में रहती है। इस तरह आप अगर घोड़े का दिखाना चाहें तो वो अस्तबल में दिखा सकते हैं। तो इस तरह आप जीवों का निवास स्थान के प्रत्येक जीव कहाँ रहता है, तो इस तरह से आप जीवों का निवास स्थान डायग्राम के माध्यम से चार्ट पेपर पे बनाएंगे। आपको कंपलसरी रहता है चार्ट पेपर बनाना डीएलएड फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है। तो आप इसे वाइवा के साथ साथ टीचिंग के लिए भी बना सकते हैं। आप चार्ट पेपर देख लीजिए, वीडियो पॉज करके आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो ये था साइंस का चार्ट, देखते हैं दूसरा आप चार्ट कौन सा तैयार करेंगे। इसके बाद आप दूसरा चार्ट बनाएंगे गणित का, यानी मैथ में भी आप संख्याओं का घर बना सकते हैं अपने चार्ट पेपर में। ऐसे संख्याएं दिखाइएगा, ये आप टीएलएम के लिए दिखा सकते हैं क्योंकि वाइवा में पूछती हैं टीचर आपने टीएलएम में क्या बनाया था टीचिंग के समय, तो उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रख सकते हैं कि बच्चों को आपने ऐसे ही संख्याओं का घर जो है बना करके सिखाई थी गिनतियाँ, ठीक है। तो बिल्कुल आप देख लीजिए ऐसे ही गणित का सिंपल सा एक चार्ट बना सकते हैं अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है। हमने प्रीवियस वीडियो में एक चार्ट को लेकर के बात की है तो अभी हम उसे भी देख लेते हैं क्या कुछ आप बनाएंगे उसे अपने सेमेस्टर वाइवा के लिए, ठीक है। तो इस चार्ट को लेकर के हम बात कर चुके थे अपने प्रीवियस वीडियो में, मैंने उसमें समझा दिया था इन सभी चार्ट को लेकर के, ठीक है। तो आप उस वीडियो से इसे समझ सकेंगे। यह है पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन, कैसे आप नंबर सिस्टम को लाइन पर शो करेंगे इस चार्ट में आप देख सकते हैं अगर आप अपने वाइवा के लिए तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स ऑफ नंबर लाइन आप बना करके दिखाएंगे, ठीक है। आप वाइवा में इसे आसानी से बता सकेंगे, तो आप प्रीवियस वीडियो से इसे समझ लीजिएगा। यहाँ पर हम केवल चार्ट को देखेंगे कि आप कैसे क्या बनाएंगे। चलिए देखते हैं आप तीसरा चार्ट कैसे क्या बनाएंगे। फिर दोस्तों हम अगला जो चार्ट देखेंगे वो है कंप्यूटर का। आप कंप्यूटर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के लिए तैयार करेंगे चार्ट के लिए। इसमें आप दिखा सकते हैं कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, कैसे क्या स्टोरेज यूनिट है, प्रोग्राम एंड डाटा कैसे है, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, ठीक है, इन्फॉर्मेशन रिजल्ट है, प्राइमरी स्टोरेज कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, सीपीयू, ठीक है। सीपीयू के बाद आप यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पर आपका दिया है इंडिकेट्स फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डाटा, ठीक है। फिर दूसरा कॉलम रहेगा इंडिकेट्स द कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द कंट्रोल यूनिट। तो इस तरह से आप कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, आप आराम से वाइवा में पढ़ के बता सकेंगे। तो आप देख लीजिए इसे और आराम से वीडियो पॉज करके इस चार्ट को आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के लिए तैयार कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट चार्ट और उसमें आप क्या कुछ बनाएंगे। फिर आप अगला चार्ट जो बनाएंगे वो रहेगा टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, तो इसे भी आप कंप्यूटर में बना सकते हैं। आप इसे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के लिए चार्ट पेपर पे तैयार कर सकते हैं। अगर टोपोलॉजी की बात की जाए तो कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटरों को आपस में जो जोड़ने के तरीके हैं उसे आप टोपोलॉजी कहेंगे। ये कई प्रकार से हो सकते हैं नेटवर्क को जोड़ने में, जैसे यहाँ दिया है बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी, फिर है ट्री टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी। तो इस तरह आप टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी बना सकते हैं कंप्यूटर के लिए, बहुत ही सिंपल सा है, आप इसे पढ़ के आराम से अपने वाइवा के लिए भी तैयार कर सकते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके इसे आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप अगला चार्ट क्या कुछ तैयार करेंगे।
फिर आप डीएलएड के लिए जो अगला चार्ट है वाइवा के लिए, इसमें आप हिंदी की चार्ट की बात की जाए तो आप विराम चिन्हों के प्रकार इसे आप बना करके दिखा सकते हैं। यानी आपको कंपलसरी है हिंदी, कंप्यूटर, इंग्लिश अगर है, अगर डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में है तो इंग्लिश, फोर्थ सेमेस्टर में आपका इंग्लिश रहता है, ठीक है। तो अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। आप विराम चिन्ह हिंदी में बना सकते हैं, इसे आप डीएलएड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी सेमेस्टर के लिए बना सकते हैं। तो आप ऐसे ही विराम चिन्हों के प्रकार डालिएगा, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, ठीक है, विस्मयादिबोधक, निर्देशक, हंस पद, कोष्ठक, विवरण चिन्ह और इसका उदाहरण है, ठीक है। तो आप ये उदाहरण दे के ऐसे ही बिल्कुल चार्ट में अच्छे से बना सकते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल सा बना है, आप इसे जितना अच्छा चाहें बना सकते हैं। तरीका आप ऐसे ही रखिएगा, ठीक है, साइड में अपना नाम शो करने के लिए ऐसे ही स्टिकर सा कुछ बना दीजिएगा। तो आप इसे बना सकते हैं हिंदी चार्ट के लिए विराम चिन्ह। इसके अलावा अगर आप हिंदी में बनाना चाहते हैं तो जैसे समास के प्रकार बता दीजिए क्या है समास के प्रकार में, या फिर आप ये सब बहुत डीप हो जाएगा, आप संज्ञा या सर्वनाम का बता सकते हैं क्योंकि वो सिंपल सा टॉपिक है आपका। अगर संस्कृत के चार्ट को लेकर की बात की जाए तो उसमें संख्याओं को लेकर बता सकते हैं, 1 से 10 तक की, 1 से 20 तक की संख्याएं। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आपको 1 से 50 तक की संख्याओं का जो ज्ञान है उसमें से आप 20 से आगे की बता दीजिए संख्याएं, ठीक है। तो आप इस तरह से संस्कृत के चार्ट को भी बना सकते हैं। तो आप इन चार्टों को वीडियो पॉज करके देख करके अच्छे से बिल्कुल बढ़िया से बना सकते हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट चार्ट आप क्या कुछ बनाएंगे, ठीक है। फिर आप साइंस में बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस, इसको लेकर के मैंने वीडियो में बात की है, इस टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे समझाया है। अगर आप प्रकाश संश्लेषण समझना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो से बहुत अच्छे से मैंने इसे समझाया, आप वहाँ से समझ सकते हैं। तो अगर साइंस में आप बनाना चाहते हैं तो आप चाहें तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया यानी जिसे आप ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहते हैं, इसे भी मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से थ्योरी समझाई है, तो आप आसानी से बता भी पाएंगे अपने वाइवा में, तो उसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो उत्तोलक के प्रकार, प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के जो उत्तोलक हैं उनके उदाहरण मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया, तो उसे भी आप आसानी से चार्ट में बना सकते हैं। उसके अलावा आप माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र बना सकते हैं। तो ये सारे सिंपल से हैं, आप वही अपने वाइवा में बना के लेकर जाएंगे जो आप बता सकें, ठीक है। कोशिश करिएगा एकदम सिंपल सा हो ताकि आपके जो एग्जामिनर रहें वो आपसे जो भी पूछे आपके चार्ट से आप उसे बना सकते हैं। आगे हम देखेंगे आप सामाजिक अध्ययन में क्या कुछ चार्ट बना सकते हैं। उसके बाद जो आप अगला चार्ट बनाएंगे वो है आपका सामाजिक अध्ययन विषय से। आप देख सकते हैं ये एनवायरनमेंट पर बेस है आपका चार्ट, तो आप इसे साइंस के लिए भी बना सकते हैं, ठीक है। इसमें दिया है सेव अर्थ, आई कैन हेल्प अर्थ, ठीक है। तो आप दिखा सकते हैं कि कैसे आप अपनी पृथ्वी को सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें दिया है डोंट कट ट्री, इस तरह से बहुत सिंपल सा, इजी सा है ये टॉपिक, ठीक है। दूसरा है सेव एनिमल्स, तीसरा है ग्रो प्लांट्स, इसमें दिया है यूज मी यानी ये डस्टबिन आपका है, डोंट लेटर, सेव वाटर, राइड अ साइकिल, ठीक है, स्टॉप पॉल्यूशन, रिसाइकल यानी जो भी प्लास्टिक पदार्थ हैं उसका आप पुनः सा उसका रिसाइकल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप पॉइंट वाइज बना करके दिखा सकते हैं कि आप अपने पृथ्वी को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, किन चीज़ों का उपयोग करके। तो आप इसे सामाजिक अध्ययन के अलावा साइंस के लिए भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिए, वीडियो पॉज करके आराम से बना लीजिएगा। देखते हैं लास्ट चार्ट आपका इंग्लिश का रहेगा, आप इंग्लिश में क्या कुछ टॉपिक बना सकते हैं। तो ये है आपका इंग्लिश का चार्ट, इसमें आप क्वालिटी ऑफ क्लाउड बता सकते हैं, सन बता सकते हैं, ग्रीन ट्री बता सकते हैं, रिवर बना के बता सकते हैं, सबकी क्वालिटी आप ऐसे ही मेंशन करिएगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही आप इसे इंग्लिश के लिए बना सकते हैं। इंग्लिश में अगर बात की जाए तो आप नाउन पर भी चार्ट को बना सकते हैं, प्रोनाउन पर बना सकते हैं, या फिर पूरा पार्ट ऑफ स्पीच को बना के दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 8 पार्ट होते हैं आपके पार्ट ऑफ स्पीच में, तो उसे आप कॉलम वाइज बना के दिखा सकते हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में जेंडर पर आपको चार्ट बताया था, मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूट्रल जेंडर, तो आप उसे भी बना सकते हैं। तो आप इसे देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके पढ़ के आराम से बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो चार्ट थे वो कम्प्लीट हो गए हैं, आप देख करके बना लीजिएगा अपने डीएलएड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जिस भी सेमेस्टर में हैं आप। अगर आप फर्स्ट में हैं तो आप ये इंग्लिश में नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट में आपका इंग्लिश नहीं है, इसकी जगह संस्कृत है। सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में है तो इंग्लिश का चार्ट बनाएंगे, अदरवाइज आप इंग्लिश का चार्ट नहीं बनाएंगे।
क्योंकि आपका सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर में इंग्लिश का चार्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चार्ट का जो पोर्शन था वो कम्प्लीट हो गया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे आपकी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर से फाइल वर्क को लेकर के, यानी आपकी जो 8 फाइलें बनेंगी अलग अलग सब्जेक्ट से, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।